एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर. एक क्लास है और उसकी जो एवरेज एज है वो 39 स्टूडेंट्स की, वो 15 साल है. तो टोटल कितना हो गया? सबसे पहले आपने ये देखना है कि 39 तो उसमें स्टूडेंट हैं और उनकी जो एवरेज है वो 15 ईयर है. तो इसका मतलब टोटल आपके पास बैठ जाएगा 39 की आप मल्टीप्लाई कर लो 15 से, ये आपके पास आएगा 585 ईयर्स. इतना आपके पास टोटल बैठ गया कि टोटल एज इतनी है. इफ द एज ऑफ द टीचर भी इंक्लूड, अब आपने टीचर भी उसमें जोड़ लिया है, तो चलिए टीचर जोड़ लेते हो, तो अब आपके पास 39 नहीं बचे ना, एक टीचर और जोड़ लोगे तो 40 हो गई. देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3 मंथ, तो जो एवरेज है वो 3 महीने बढ़ जाता है. तो 3 महीने कैसे बढ़ जाता है मैं आपको समझाता हूँ. मल्टीप्लाई कर लो 15 तो पहले था, 15 साल पहले था. 3 महीने को ऐसे बोलते हैं दोस्तों 3/12, क्योंकि ये 15 साल है ना, तो 3 महीने को इसके साथ 15 के साथ आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको उसे भी साल की टर्म में लाना पड़ेगा. 3 महीने और एक साल में महीने होते 12, तो आपको 3 महीने को लिखना होगा 3/12. अब ये 15 के साथ फिट आ जाएगा, अब इसे काट लो, 3 × 3, 3 × 12, यानी टोटल निकालने के लिए 40 की गुणा आपको करनी पड़ेगी, 15 × 60, 60 × 1 = 61, 61/4 से, 4 से इसे काटो तो ये 10 हो गया, यानी कि 610 अब की बार टोटल आ रहा है, जब सर जी को भी क्लास वालों ने ऐड कर लिया. और 39 बच्चों का टोटल ये आ रहा था, सर जी को मिलाने के बाद ये आ रहा है. तो सर जी कितने किलो के होंगे? सर जी कितने किलो के होंगे? सिंपल है, 610 में से 585 को माइनस कर दो, यानी कि 25, आपके पास 25 किलो के यहां पर आपके सर जी होंगे.